Thank you very much, sir. अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुब्रोवनिक। सुबह के टाइम तकरीबन 8:30 बजे हैं। आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था और सबसे पहले आप नीचे जो है ना व्यू चेक करें, सारे पैसे जो है ना वो इस व्यू के हैं। बहुत ही आला जगह पे मुझे अपार्टमेंट मिला है, मेरी किस्मत अच्छी। और कल हमें पार्किंग भी अच्छी जगह पे मिल गई थी, लड़का बंदा जिसका अपार्टमेंट है वो काफ़ी नाइस था तो उसने पार्किंग वगैरह ढूंढ दी, इसलिए थोड़ा सा सुकून। अभी जाके चेक करेंगे कि हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है कि नहीं, वो अलहदा बात है, लेकिन इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। और आज के दिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जाके करते हैं नाश्ता। मुझे लगी है बहुत भूख और नीचे है सुपर मार्केट, वहाँ से कुछ उठाते हैं और बाकी के प्लान जो है ना वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। मज़े की बात है, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो यहाँ पे फ़ी है 200 गुना, ये बन जाती ऑलमोस्ट 25 यूरो के करीब बन जाती है, और अभी कोरोना डिस्काउंट बेस पे सिर्फ 50 गुना है। और ना सिर्फ यहाँ पे, पूरे के पूरे क्रोएशिया में जितने नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पे भी 200 के करीब थी, तो अभी उसको डिस्काउंट में दे दिया। पहले तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार 50 कौन है, तो आपको जो है ना सिटी वॉल से सिटी का व्यू अच्छा आता है तो ऊपर से सारा एक्सप्लेन कर दूँगा बजाय ये कि मैं अंदर वॉक करूँ। सिटी वॉल्स जो हैं इतनी खाली अभी हैं, लास्ट टाइम ये फुल भरी हुई थी और यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं थी। 14th-15th सेंचुरी में ये सिटी जो है यहाँ की इस रीजन की मेन एक पोर्ट थी और मेन ट्रेडिंग सेंटर था, तो ये सिटी शुरू से ही अमीर रही है, गरीब नहीं थी। इसकी एक साइड पे आप देखें सिटी वॉल की, दूसरी साइड पे तो वो है जी लुइजी नाक फोर्ट, और इस फोर्ट को बनाने का मकसद ये था सिटी को डिफेंड करना, क्योंकि फोर्ट जो है वो 30-40 मीटर की हाइट पे बना हुआ है और जब आप दोनों साइडों से आर्मी को अटैक करते हैं तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो वेनिशियंस थे, वेनिस वाले थे, उन्होंने एक आर्मी भेजी थी यहाँ पे कि हम आपको फोर्ट बना के देते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया था कि हम खुद बनाएंगे, और इन्होंने फिर ये फोर्ट सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों के अंदर कंस्ट्रक्ट किया था, और काफ़ी बार इन्होंने इवन वेनिस वालों को शिकस्त दी थी इस फोर्ट की वजह से। और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के लिए सिटी वॉल और जो फोर्ट है इसके दरमियान में बिल्कुल आप एक छोटा सा स्ट्रिप देख रहे हैं, ये है जी किंग्स लैंडिंग जो गेम ऑफ थ्रोन्स में उन्होंने इंक्लूड किया था। तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। में जो युगोस्लाविया वॉर हुई थी उसमें ये सारी सिटी तबाह हो गई थी, यहाँ पे मोंटीनेग्रो और सर्बियन आर्मीज जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, तो काफ़ी शेलिंग वगैरह हुई थी, लेकिन उसके बाद इस सिटी को सारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया आई थिंक यूएन के पैसे से, क्योंकि ये यूनाइटेड ने वो उसके अंदर आती है वर्ल्ड हेरिटेज में, तो उसके बाद से यहाँ पे जो है टूरिज़्म का बूम आया। लेकिन आई थिंक मेन बूम जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद आया, क्योंकि पहले मोस्टली लोगों को दुब्रोवनिक का पता भी नहीं होता था। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं था यहाँ पे आने का इंटरेस्ट, या मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि ये इतनी हिस्टोरिक जगह है या इतनी खूबसूरत है स्पेशली, तो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद ही आइडिया हुआ है।
सामने जो आप एक टावर देख रहे हैं, ये वो टावर आपने कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी जगह पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का दिन भी खैर खरीत से गुजारना। अभी बाइक के अंदर पेट्रोल जो है वो बहुत कम है, 27 किलोमीटर कर जाएगी। हम देखते हैं कि हमें रास्ते में जो है वो कोई ना कोई पेट्रोल स्टेशन इधर मिलता है, और कोशिश होगी कि मैं सिटी के अंदर इंटर ना हूँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये ऊपर रोड जा रही है, इस पर अगर मिलता है तो फुल करा लेते हैं। चल हम भी ना यही करते हैं, वो बाइकर गया है ना, हम भी उसके पीछे पीछे। वैसे करना नहीं चाहिए, अलाव नहीं है, लेकिन बाइक का फिर फ़ायदा क्या अगर हमने भी उसमें ट्रैफिक में खड़ा होना है तो। हम कौन से किसी को जो स्लो कर रहे हैं। ये आगे जी पेट्रोल स्टेशन, यहाँ से फिल कर लें बाइक को, इसमें बिल्कुल भी नहीं है पेट्रोल तो। तो अब हम लग गए हैं जी मॉन्टीनेग्रो की तरफ। मॉन्टीनेग्रो भी बाल्कन कंट्री है, ठीक है, योगोस्लाविया का पहले हिस्सा होती थी, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री जो मैंने विजिट की है। और ये काफी लोगों को इसका आइडिया नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत है। लिटरली जब मैं लास्ट टाइम गया था, फर्स्ट टाइम वहाँ पे 2 साल पहले, तो एरिया को कहते हैं बे ऑफ कोतूर, ठीक है। तो ये पूरा एरिया, तो जो छोटी सी सिटी है उसे कहते हैं कोतूर, जो यहाँ से तकरीबन मुझे लगेंगे 2 से 2.5 घंटे वहाँ जाने में लग जाएंगे। तो हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं, पहले आएगा यहाँ पे क्रोएशिया का, यहाँ से एग्जिट करवा के आगे मॉन्टीनेग्रो। लेट्स सी कि वो जाने देते हैं कि वो भी जलील करते हैं। वैसे तो मैं पढ़ के आया हूँ कि यार उसका कोई मसला नहीं है, मॉन्टीनेग्रो उन्होंने ओपन किया क्योंकि वो शेंजन का पार्ट है। सॉरी अब किधर गया मॉन्टीनेग्रो वाले, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सो ये आ गए जी मॉन्टीनेग्रो वाले, अब देखते हैं कि ये क्या कहते हैं हमें। अच्छा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इंटरनेशनल इंश्योरेंस कार्ड, मेरे पास वो है, वो होता है ग्रीन कार्ड होता है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आ गया, हेलो, वो होता है जी ये कार्ड होता है ग्रीन कार्ड, ये बाइक इंश्योरेंस है, और ये वो डॉक्यूमेंट है, ये होता है पार्ट 1। पार्ट 2 जो होता है वो घर रखना होता है, तो पार्ट 1 मैंने अपने साथ रखा है। Yeah, speaks German. Yes, sir. Zato i kažem, da mi ne skine.
थैंक यू वेरी मच सर. So we are back in the business. Now the border number Austria, Slovenia, Croatia. ये चौथा border है. थोड़ा सा मैं इसको बताता चलूँ किसके border लगती हैं. इस साइड से क्रोएशिया के साथ लगते हैं जहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ. अगली साइड जहाँ से मैं एग्जिट करूंगा वो लगता है अल्बानिया के साथ. ऊपर एक इनका बॉर्डर लगता है बोस्निया, सर्बिया और कोसोवो के साथ आई थिंक. या बहुत ही छोटी सी कंट्री है, बड़ी कंट्री नहीं है और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तकरीबन 6.5 लाख के करीब है. करेंसी ये लोग भी यूरो यूज करते हैं, शेंजन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो शेंजन वीजे वाले हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो एक स्टैंप लगा देते हैं पासपोर्ट पे. और अभी जिस पार्ट में मैं हूँ जहाँ पे इनकी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इस एरिया में ही रहते हैं और इसे कहते हैं बे ऑफ कोतूर. तो हम बे ऑफ कोतूर के साथ साथ ही ड्राइव करेंगे. और इनका जो कैपिटल है वो है पोदगोरिका, जिसकी तरफ हम नहीं जा रहे. हम सिर्फ जो है ना बे ऑफ कोतूर के साथ साथ रहेंगे और कल डिसाइड करेंगे मे बी एक दो छोटे छोटे से डिटूर लें. अच्छा, इनकी जो लैंग्वेज है वो है मोंटीनेग्रन. ये भी यूगोस्लाविया का पार्ट थे और 91 से जो मेरे ख्याल में 95 तक वॉर थी उसी में ये भी अलहदा हो गए थे. तो इनकी भी लैंग्वेज जो है ना वो मिलती जुलती है क्रोएशियन, स्लोवेनियन, बॉस्नियन और सर्बियन के साथ साथ जो है ना सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन आई थिंक काफ़ी सिमिलर हैं. तो अभी हम आ गए हैं जी पिरास्त में और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में है. इसके साथ जो सामने दो आइलैंड आपको छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हैं जी एक चर्च है, एक है, ये दो चर्च हैं आई थिंक, या दोनों आइलैंड्स पे दो चर्च हैं और इसे कहते हैं अवर लेडी ऑफ द रॉक. नॉर्मली जब आप अपनी गाड़ी पे जाएं तो आगे जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे पार्क कर देते हैं. आजकल टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल है नहीं, सिर्फ लोकल्स जा सकते हैं. तो हमें भी इजाज़त है, बाइक वालों को तो कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं. तो हम सिर्फ टाउन में से गुजर के जा रहे हैं. सो ये एक्सक्लूसिव व्यूज़ जो है ना ये सिर्फ आपको मिलते हैं जब आप बाइक पे जाते हैं, तो नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे. अभी मैं हूँ पिरास्त में जो कि लेडी ऑफ रॉक और सेंट जॉर्ज जो चर्च हैं, दो छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं उनके बिल्कुल पास है और यहाँ से फेरीज वगैरह जाती हैं. मैं पहले भी यहाँ पे आया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, कुछ पीते वगैरह हैं. क्या मंगाया मैंने अपने लिए यार, ये जूस मंगाया, ये और क्या ऑरेंज तो नहीं है, ये लेमन जूस है. मुझे नमक की कमी हो रही थी क्योंकि सारा दिन चला चला के ना पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ था. और एक और फ़ायदा ये कि ब्रेक का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मुझे इंटरनेट मिल गया था, तो मैंने अपने लिए जो रूम है वो कोतूर में बुक कर लिया है. तो रात में जाके वहाँ स्टे करूँगा. यहाँ से तकरीबन मुझे और 30-35 मिनट मैक्सिमम लगेंगे वहाँ जाने में. यहाँ पे ये जो चर्च है ये 1450 में बने थे और कहते हैं कि दो फिशरमैन जो थे फिशिंग करने गए थे, तो उन्होंने लाइट देखी और जब वो उसके पास गए तो उन्होंने उनको कोई आइकन मिला मदर ऑफ गॉड का, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी रिलीजन के मुताबिक. तो वो उसको लेके आ गए, तो उन्होंने यहाँ पे चर्च में रख दिया. और नेक्स्ट डे जब गए तो वो चर्च में से गायब था और दोबारा सेम उसी जगह पे जहाँ से उन्होंने उठाया था उन्होंने देखा ये एक रिज टाइप थी, छोटा सा पत्थर था, तो उन्होंने यहाँ पे पत्थर फेंक फूंक के इसको एक आइलैंड बनाया और फिर यहाँ पे जो है ये चर्च बना दिया. तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये है इसकी हिस्ट्री. और अब हम लोग कोतूर की तरफ जा रहे हैं. कोतूर यहाँ हमें कितना लगेगा, पास ही है बिल्कुल, 20-25 मिनट लग जाएंगे. और हम लोग कोतूर में पहुंच गए हैं और सबसे पहले मैं सोच रहा हूं अपने अपार्टमेंट की तरफ जाएं. यहां से एक मिनट के फासले पे है मेरी अकोमोडेशन. अब मुझे ढूंढना है, ख्याल रखना है, क्योंकि जो एड्रेस है वो चर्च का को एड्रेस उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन मोस्टली होता ये कि इन्होंने बाहर मेन रोड पे नाम वगैरह लिख के डाले होते हैं कि ये अपार्टमेंट के आस पास में ही कहीं होना चाहिए. फिर
जो मैंने अपार्टमेंट बुक किया था उस बंदे ने अगले 2 मंथ के लिए अपार्टमेंट जो है वो क्लोज किया हुआ है। तो अभी उसकी मुझे कॉल आई है, तरले कर रहा था कि यार उसको कैंसिल कर दो अगर मैं, क्योंकि रिपोर्ट कर दूं booking.com को तो उसके जो है ना वो कैंसिल कर देंगे, दोबारा से उसको जो है ना उसके ऊपर नहीं डालने देंगे। तो अभी मैंने नया अपार्टमेंट बुक किया और उसको बख्श दिया हमने, वो कैंसिल कर दिया, पैसे उसने मुझे वापस कर देगा। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है वो भी इसी जी के पास है। सो फाइनली पहुंच गया हूँ और ये है जी अपना गरीब खाना। बहुत ही कमाल का इससे व्यू है जगह का, बिल्कुल बहुत चीप है मेरे ख्याल में। मैंने 20 यूरो इसके पे किए पर नाइट। जब मैंने पहले अपार्टमेंट बुक किया तो वो इससे भी सस्ता था, वो 10 यूरो का था और इससे बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शायद मेरे में इसी में भलाई हो। खैर अभी अपार्टमेंट में वापस आया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़े से कपड़े वगैरह चेंज करके लाइट कपड़े पहन के आगे को तोड़ जाऊँ। वो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर सिटी सेंटर है उनका और वहाँ पे एक दो अच्छी जगहें देखने वाली, वो आपको दिखाऊँ। तो फाइनली मैं टॉप पे पहुंच गया और यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई बंदा नहीं, अकेला हूँ। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब लोग थे और वो सितंबर एंड का महीना था या अक्टूबर का महीना था। अभी कोई बंदा नहीं है, समर मेन टूरिस्ट सीज़न है। और आज अच्छी खासी मेरी ख्वारी हुई है, ये ओवर द टॉप मैंने मेहनत की है ताकि आप लोगों को अच्छी जगह से ड्रोन शॉट्स लेके दूं। अगर मैं नीचे से लेता तो मैं इतनी हाइट पे इसको लेके नहीं आ सकता था और मुझे डर था कि कहीं सिग्नल लूज़ ना हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की है, होपफुली आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अभी थोड़ी सी लाइट बची और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2-4 तस्वीरें अच्छी अच्छी से ले लूं। आप लोगों से मुलाकात होती है नीचे और नीचे जाके हम आप कुछ खाना पीना खाएंगे और पेट पूजा करेंगे। सो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।